So let us quickly proceed with the numerical problems. With the ahead or the next numerical problems. जैसे बेटे लास्ट टाइम हम कंप्लीटली एग्जांपल्स को कर चुके हैं बेटा और डायरेक्टली प्रॉब्लम नंबर बेटा 13 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. 13 न्यूमेरिकल नंबर 13 एक्सरसाइज का देखिए बेटा. लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट पार्ट फॉर यू बेटा. स्टेटमेंट में आपको उन्होंने दिया है ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड. ए हॉकी बॉल ऑफ मास इट इज गिवन टू बी बेटा 200 ग्राम इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड आपको 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है. Is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. ये मैं अगर इस बॉल की बात करूं, इस बॉल को हॉकी के स्टिक ने स्ट्राइक किया और वापस उसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से रिवर्ट कर दिया. आगे क्या पूछा गया है. कैलकुलेट द चेंज इन द मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. मोमेंटम में कितना चेंज आएगा. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपकी हेल्प कर देता हूं. ये बॉल हॉकी बॉल इस तरीके से जा रहा था और यहाँ पे हॉकी स्टिक इसके साथ स्ट्राइक करने के बाद जो बॉल है ये वापस इस डायरेक्शन में आ रहा है अब. लेकिन वापस आने की वेलोसिटी दिस इज 5 मीटर पर सेकंड एंड इट इज गोइंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. आपको उन्होंने बोला है कि चेंज इन द मोमेंटम निकाल दीजिए कि मोमेंटम में कितना चेंज आएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि जब भी हम ऐसी प्रॉब्लम्स करें हमें सबसे पहले यूनिट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि क्या यूनिट्स यूनिफॉर्म हैं कि नहीं है. ये आपका ग्राम में है और ये आपके मीटर पर सेकेंड में है तो ये यूनिफॉर्म यूनिट्स नहीं है. मतलब एक ही सिस्टम में नहीं है. आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 200 ग्राम की गुड़िया कितने किलोग्राम बनेंगे. हाँ जी हाँ जी. डिवाइड बाय 1000 ये बन गया जी 200 अपॉन 1000 वन बाई 5 केजी लिख दो. कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना. 1.5 केजी लिखा जा सकता है ना. अब चेंज इन द मोमेंटम के लिए चेंज तो तभी निकलेगी अगर हमें मोमेंटम पता होगा. चेंज तो बाद में आएगी ना बेटा. तो ये हाँ जी बेटा बिल्कुल निकालेंगे. इनिशियल कितना होगा गुड़िया आप उठ जाइए. ओवर ये ओवर क्यों आ गई इनिशियल वेलोसिटी. कैन यू डिफाइन मोमेंटम पुत्र. डिफाइन करिए देन. फिर अब आप ओवर क्यों कह रहे हो. ओवर नहीं ना कहना चाहिए. वेरी गुड बैठो. सो इनिशियल मोमेंटम को मैं पी आई से इनिशियल लिख देता हूं. ठीक है. मैथमेटिकली मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी बेटा. मास तो बॉल का बदलेगा नहीं. वो तो जितना जाते टाइम उतना ही आते टाइम भी है. इनिशियल वेलोसिटी 10 है. इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. सो इट मस्ट बी इक्वल टू बेटा 1/5. इनिशियल वेलोसिटी आपका 10 है
ये आ गया जी 2 मीटर, नहीं जी नहीं, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। देन फाइनल मोमेंटम के लिए पी, फाइनल लिख दूं मैं, इट इज आवाज नहीं आपकी आ रही, इट इज इक्वल टू मास इनटू, एक मिनट बोलने तो दो उसको बेटे, बुढ़िया को बोलने दो, बोलो पुत्र। सो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल, बैठो बेटा, फाइनल वेलोसिटी, राइट बेटा। तो मास आपका 1/5 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन द मोमेंटम, बताइए आपने डेल्टा पी से लिखा था चेंज को, लिखा हुआ है, लिखा था, बीच में भूल जाते हैं, लिखा था वैसे, है ना। तो इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कर दो बेटे, इनिशियल माइनस फाइनल भी तो कर ही सकते हैं, जैसे मर्जी कर लीजिए बेटे, है ना। अरे कर सकते हैं, चेंज ही निकालनी है, फाइनल से इनिशियल कर दो, माइनस या माइनस इनिशियल से फाइनल कर दो, बात तो एक ही है, क्या कहते हो? नहीं पता, देखिए फिर आप ऐसे करिए बेटा, हमेशा यही याद रखिए कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करिए, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो साइन छोड़ सकते हो, ठीक है। इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल कर देता हूं मैं, फाइनल आपका 1 था, इनिशियल कितना था, इनिशियल 2 था, तो ये आ गया -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यस सर, बट अगर हम फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल का करेंगे तो 1 किलोग्राम पर सेकेंड आ जाएगा। हाँ जी, तो फिर वो गलत क्यों होगा? नहीं बेटे, आप ऐसे करिए ना, आप मोमेंटम की चेंज का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, जब आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो ना बेटा, ध्यान दीजिए, ये जो दो लाइंस मैंने डाली हैं, दीज टू लाइंस इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द मोमेंटम बेटा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आप साइन अपना छोड़ दोगे, रिमूव कर दोगे, इट विल बी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से बेटे आपने अपने मोमेंटम का जो चेंज है ये वर्कआउट कर लेना। यस बेटे, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, साइन नहीं लेना साथ में हमने, साइन कहीं ना कहीं आपके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यस यस, दिस मींस कि आप यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, आप डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, राइट बेटा? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? स्टेटमेंट वो लिख देंगे जैसे हमने लिखी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब पूछते हैं एक ऑप्शन ही होगा, 3 और हो जाएंगी, सॉल्व आप रफ पेज पे कर लेना। यस, सारा करना पड़ेगा सर, इस बार सारे एमसीक्यू। हाँ जी, देखो जब आप लोगों को एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, रफ वर्क आपने कैसे करना है कैसे नहीं करना, दैट इज अप टू यू, आप शॉर्ट में कर लो, जरूरी थोड़ी ये सारी लिखा इतना बड़ा लिखना है आपने। मैं, मेरा पर्पस तो आपको समझाने का है, मुझे सिर्फ इसको सॉल्व नहीं करना, मुझे इसको आपको समझाना भी है। आप जब पेपर कर रहे होगे आपको किसी को समझाना नहीं है, आपने सिर्फ वो क्वेश्चन का जवाब देना है, राइट। यस, ये वाला फाइनल मोमेंटम से इनिशियल माइनस कर दिया, तो हमने बेटा ये साइन छोड़ दिया, ये दो लाइंस का मतलब होता है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग राइट, ओके फाइन, चलें आगे। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर,
ओके बेटा चीज जो हाँ जी हाँ जी सर जब आपने लास्ट टाइम कराया था ए वाला सम तो आपने इसमें कोई और वे से कराया था इनिशियल से फाइनल माइनस किया होगा और तो कुछ नहीं किया होगा सो उसका एक ही बात yes, है ये yes, सर सर लेकिन उसमें आंसर 3 केजी मीटर मीटर पर मोमेंट आएगा 3 नहीं आएगा बेटा एक बार फिर से देखो एक मिनट बेटे सारे स्टूडेंट्स देखिए दोबारा देखिए बेटा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं नहीं एम कॉमन नहीं लेना बेटा आपने यहाँ पे थोड़ा सा ना डायरेक्शन का हमने वो करना रह गया हमारा डायरेक्शन को देखना ये आपका पी इनिशियल तो निकल आया ठीक है जी जब आप पी फाइनल करोगे हम एक चीज़ बेटे यहाँ पे हमारी मिस हुई है दैट इज बेटा जब आपका बॉल इधर आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है ना बेटा हमें यहाँ पे साइन बदल देना चाहिए था हमारा वो बदलना रह गया इट शुड हैव बीन माइनस फाइव बेटे ठीक है जी एम आपका 1/5 था तो ये -1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाना चाहिए थोड़ा ठीक करिएगा हमारा वो साइन वाला बात रह गई है बेटा हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो आपको फिर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ेगी ना बेटा सो अब आप देख लीजिए चेंज इन द मोमेंटम आ जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल कर लो इनिशियल आपका 2 है -1 कर लीजिए 3 आएगा बेटा वो ठीक कह रहा था बच्चा 3 किल फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए वो भी सेम आएगा आइए चेक कर लेते हैं डेल्टा पी इट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल फाइनल कितना था बेटा हमारा -1 -2 इट विल बी -3 के जी मीटर पर सेकेंड आप खाली मैग्नीट्यूड ले लीजिए 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर आपको बेटा मिल जाएगा राइट बेटे यस सर नहीं 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 बेटे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे वेलोसिटी बॉल की फिर से उसी डायरेक्शन में आ गई जिधर से वो आ रहा था हमें इसके साथ ये साइन अटैच कर देना चाहिए था वो बाय चांस रह गया और हाँ जी बेटे सर एक केस में आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया और एक में आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो ये सिर्फ बेटे आपको समझाने के लिए है कि आप इनिशियल से माइनस फाइनल को कर लो या फाइनल से इनिशियल को माइनस कर लो बात एक ही है जब आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो ना बेटा तो आपका मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में बेटे सेम ही आ रहा है यू कैन चेक इट डायरेक्शन ओके सर जब आप बात करो -3 और 3 जब आ जाएगा फिर आपको बेटे फाइनल से इनिशियल को ही देखना पड़ेगा राइट बेटा चलें जी आगे अब ओके बेटा इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बेटे देखो नेक्स्ट कौन सा है बेटा 14 कौन सा है चलिए मैं कोई बात नहीं मैं पढ़ता हूँ बेटे डोंट वरी लेट मी रीड इट आउट फॉर यू पीपल ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड एक बुलेट आपको दी गई है बेटा मास इसका बच्चों 10 ग्राम आपको दिया गया है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड 150 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आप लोगों को दे रखी है अब उन्होंने कहा है इट स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स ये एक वुडन ब्लॉक के साथ स्ट्राइक करके 0.03 सेकेंड्स के बाद रेस्ट पे आ गई है मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 0 राइट बेटा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट बुलेट जो है वुडन ब्लॉक के अंदर कितना पेनिट्रेट कर गई है ये निकालिए आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट
वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे कितना फोर्स अप्लाई किया ये भी निकालिए। जरा ध्यान से समझिएगा, ये आपका मान लो वुडन ब्लॉक है, मैं डायग्राम बनाकर आपकी हेल्प करता हूं बेटा, और ये आपके पास एक बुलेट, इस तरीके से ये बुलेट आ रही है राइट बेटा, और जब ये इस वुडन ब्लॉक के साथ स्ट्राइक की तो इस वुडन ब्लॉक के अंदर तक वो यहां पे जाके रुक गई है। आपको उन्होंने कहा कि ये कितना डिस्टेंस अंदर चली गई है, पेनिट्रेट कर गई है, ये रिक्वायर्ड है पहली बात। और आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड है, इतने टाइम के बाद ये रुक गई यहाँ पे आकर, आपको ये डिस्टेंस निकालना है और वुडन ब्लॉक में कितना अपोजिंग फोर्स इसके ऊपर ऑब्जर्व किया, दैट इज आल्सो टू बी कैलकुलेटेड। एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड बेटा, पहले कैसे मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे बेटा, पहले एम की बात कर लेते हैं, ये 10 इंटू 10 इस बार -3 केजी आ गया, या 10 इस बार -2 केजी बन गया बेटा, ये मास आ गया ना, 1000 से डिवाइड कर दिया ना हमने। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, चेक करिएगा, v आपको दिया गया है, u दिया गया है, t आपके पास है, तो ए निकल जाएगा। अब वही है ये भी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, समझाना भी तो है ना आपको मुझे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, राइट, समझ आ गई बात। अब वैल्यूज पुट कर दें, बी जीरो, यू कितना है, टी कितना है, ये आ गया जी, इसको जरा देखिएगा, मैं 150 ये ऐसे लिख दूं, ऐसे कर दें, और फिर देखिए, फिर तो आप ऐसे ठीक है, ये पावर 2 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, और दैट इज वाई 5000 आ गया, ये आपका पावर माइनस की तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी ना, मैं ऐसे एक और ऐड कर दूं स्टेप, नहीं तो आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा ये, ओके देन, एक्सेलरेशन अब आपके पास निकल आई, अब फोर्स निकाल दें कि पहले डिस्टेंस निकाल दें, चलिए पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, क्या हम बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू एस लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है जी, ये भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, एस विल बी इक्वल टू यू आपके पास 150 था, टी 0.03 है, और ये 1/2, ए आपका 5000, टी कितना था 3 इंटू 10 रेस पर -2 का स्केयर कर लें, हाँ जी सर, जो एक्सेलरेशन वहां दी हुई है वो तो नेगेटिव में है, रिटार्डेशन है ना आपका वो बेटा। आइए देखें इसको थोड़ा सा और, ये डिस्टेंस कवर्ड आपके पास आ गया, इसको मैं चलिए अगले स्टेप में लिख लेता हूँ, 150 देन 3 इंटू 10 रेस पर -2 माइनस ये आ गया 1/2, एंड लेट मी रीअरेंज द टर्म्स बेटा, ए आपका 5000 ऑलरेडी है, ये आ गया 3, 10 रेस पर -2 3,
टेन रेस पर माइनस टू। ठीक है जी, कोई टर्म ज्यादा तो नहीं लिखी गई, कोई टर्म कम तो नहीं है, बैलेंस्ड। नेगेटिव ये लगा दिया, इसको मैंने यही लगा दिया ना नेगेटिव को साथ ही। सो ये बच्चों देखो आपके पास बन गया जी, ये 4.5 बचेगा इसको सॉल्व करके, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। देन ये पावर माइनस टू, ये पावर माइनस टू, माइनस टू माइनस टू कितना हो गया? माइनस फोर। माइनस फोर में से ये तीन मैंने कट कर दी, ये माइनस वन रहने देता हूं। इज इट क्लियर? है दो, पांच के साथ तीन जीरो हैं, यहां पे माइनस फोर पावर थी, तीन मैंने एडजस्ट। तो बेटे जैसे आपको अच्छा लगे करिए, नो प्रॉब्लम विद दैट, कोई दिक्कत नहीं, तरीका अपना अपना मैथमेटिकली सॉल्व करने का। ठीक है जी, थ्री थ्री आर 9545 को ऐसे लिख दूं फिर मैं, डिवाइड बाय टू, ये 10 की पावर माइनस वन थी, ऐसे कर दूं, करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया जी आपका एलसीएम ले लें, क्यों नहीं, क्यों भाई? हाँ ये लो बेटे गुड़िया, इसमें क्या है, इसको ये लीजिए 9 4.5, इसमें दिक्कत क्या है? 4.5 पॉन 2 आ गया, कितना होता है ये? ठीक है, देखना 2.75 मीटर्स में आएगा, ऐसा ही है, 2.5 आ रहा है, 2.5 लिख लो इसमें क्या है, यस 2.25 आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ जी बेटा बोल दीजिए, वी एवरेज, एवरेज वी कहाँ पे है? बी माइनस यू डिवाइडेड बाई टू एवरेज नहीं है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ जी ठीक है, हाँ जी दैट्स गुड, इक्वली गुड, नहीं आ रहा बेटा, आइए क्रॉस चेक करें, अगर वी स्केयर माइनस यू स्केयर टू एस लगाएं तो आंसर आता क्यों नहीं है, एक बार आइए चेक करके देखें, आना चाहिए। इसको रब कर दूं मैं, हाँ जी दलजीत जी बोलिए सर, 2.25 के साथ माइनस साइन आएगा, नहीं माइनस तो नहीं आ रहा, प्लस तो ही आ रहा है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। सर 5000 के साथ माइनस साइन था, नहीं तो ये आगे वाली टर्म भी था बेटा, वो तो माइनस हमने रखा ही हुआ है साथ, उसको तो कुछ भी नहीं किया, एक बार चेक करिए कैलकुलेशन को बेटा। हाँ जी बेटे दलजीत, एक बार कैलकुलेशन को रीचेक कर लो बेटा, यू विल गेट इट। अब मैं दूसरे तरीके से भी करने जा रहा हूँ, वी स्केयर माइनस टू स्केयर इज इक्वल टू, चलिए करके देखें, वी स्केयर माइनस यू स्केयर टू एस होता है, एस किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, वैल्यूज पुट कर दें, करनी चाहिए, एस इज इक्वल टू वी कितना था, यू कितना था, इसका स्केयर आ गया, ये कितना है, क्यों पता क्यों नहीं भाई, माइनस फाइव है तो है, पता नहीं कौन कह रहा है, नॉट गुड एट ऑल। चलिए आगे सॉल्व करें, सो इट विल बी माइनस का 150 इंटू 150, राइट,
हाँ जी, एक मिनट बुढ़िया, ओ एक मिनट बच्चों, एक मिनट बेटे, एक मिनट रुकिए तो सही। एक दो, एक दो, ठीक है। 5 3s are 15, ठीक है। एंड 3 by 2 आपका 1.5 होता है। माइनस से माइनस उड़ गया, उड़ गया। यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वेरी राइट, वेरी राइट। बच्चे खुश हो गए कि उड़ गया जी बिल्कुल। चलिए देन, 15 into 15 कितना होता है? 225 होता है। एक पॉइंट यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा आपका। एक नीचे ये 0 पड़ा भी है। 22.5 by 10 कितना होता है? हाँ जी, हाँ जी, केड़ा वन, ये सर वाला। कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो। बेटे ये 2 0s कट गई थी ना, एक और एक और, ये तो एक पड़ी थी हमारी ऑलरेडी, ये वही लिखी है मैंने। सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया? हाँ जी, कोई मर्जी मेथड लगाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? गॉट इट नाउ? बहुत बढ़िया, चलें आगे। सर कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो। ओके 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 बेटा, ये लीजिए कैमरा ऊपर कर दिया। आप और बताइए जी। हाँ जी, हो गया कंप्लीट? बातें नहीं करनी पुत्र, आइए आगे चलें। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट अस फोकस अपॉन दैट। इसके बाद बेटे वी हैव 15th करना है पहले, चलो 15th कर लो, नो प्रॉब्लम बेटे। सर उसका फोर्स निकालना था कि वो कितना फोर्स लगाएगा वुडन प्लैंक पे। हाँ, ये फोर्स वाला रह गया आपका पार्ट। F इज इक्वल टू m इनटू a कर दीजिए। m कितना था? 10 upon 1000, ठीक है जी। a कितना था? एक दो तीन, एक दो तीन। F इज इक्वल टू -50 न्यूटन। व्हाट डज दिस -50 साइन इंडिकेट्स? फोर्स अप्लाइड बाय द इन बॉडी। ऑपोजिट डायरेक्शन। यस यस, अरे सुनिए सुनिए बच्चों, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो जरा। सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं, समझते उससे भी ज्यादा हैं। समझ आई बात? बस बोलते कम है, बाकी सारी चीज ज्यादा ज्यादा ही है। समझना भी ज्यादा है और ध्यान भी ज्यादा देना है आपने, और अपना वर्कआउट भी ज्यादा कर, बस बोलना ही कम है, बाकी ठीक है सारा, राइट? लेकिन बोल फिर रहे हैं। चलिए जी, चलिए 15 देखिए। रैम एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट का मास आप लोगों को 1 किलोग्राम दिया गया है। इट इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, अब पता नहीं क्या है, वी है कि यू है, बाद में लिखते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ये एक 5 किलोग्राम का वुडन ब्लॉक है, उसके साथ कोलाइड करके उसके साथ स्टिक कर गया ये ऑब्जेक्ट। देन दे बोथ मूव ऑफ टूगेदर इन द सेम डायरेक्शन। फिर वो दोनों इकट्ठे ही जाने लग पड़े हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एक आपको वुडन ब्लॉक दे दिया उन्होंने, ये 5 किलोग्राम का है, वुड का लॉग है एक, 5 kg इसका मास है। ये कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है आ रहा, इस तरीके का शो कर देते हैं, ठीक है। ये आ रहा है ऐसे, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी,
ये इसके साथ स्ट्राइक कर गया आकर, स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, ये दोनों एक चीज बन गए, अब अलग नहीं है, ये दोनों सिक कर गए हैं, एक चीज बन गए हैं। आपको बिफोर एंड आफ्टर द इंपैक्ट मोमेंटम भी निकालना है और किस वेलोसिटी से ये दोनों मूव करते हैं, दैट इज आल्सो नीडेड। एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? नो, इट शुड बी यस, इट शुड नॉट बी नॉट, नो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? अरे बच्चों, इनिशियल मोमेंटम क्या, मैंने आपको अभी अभी कहा था कि अच्छे बच्चे बोलते कम है, बाकी सब कुछ ज्यादा ज्यादा, राइट? बोलिए जी, अब आप इनिशियल मोमेंटम कितना है आपके सिस्टम का, दोनों चीजों का? अरे बेटे, ये कोई चीज आ रही है, ये यहाँ पे चीज रेस्ट पे पड़ी है, ये इसके साथ टकरा गई, दोनों इकट्ठी हो गई, दोनों बाद में मूव कर गई, इसमें क्या बात है? प्लीज स्टैंड अप, बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मास कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1 किलोग्राम आपके ऑब्जेक्ट का मास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मास, इसकी वेलोसिटी तो कितना हुआ? अरे नहीं, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही हुआ, क्या कहते हो? अब जरा सुन लीजिए, 1 मिनट आपका और लूंगा मैं। अब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं, टोटल मास, अरे रुको जरा बच्चों, आप बोलते बहुत ज्यादा हैं। टोटल मास कितना हो गया? 1 + 5 हो गया, और वेलोसिटी आपने कितनी मानी थी? बी मानी थी। अब आपका मोमेंटम कितना हो गया फाइनल? 6 × V हो गया। इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से कंपेयर कर दें, क्यों करें? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि कर दो, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो 6 × V इज इक्वल टू 10, वी इज इक्वल टू 10/6 एंड वी इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड आ गया बेटा। तो दिस इज हाउ यू आर टू बेटा प्रोसीड विद दिस सॉल्व। हो गया सबका, समझ आ गया सारे बच्चों को? ओके, थैंक यू ऑल बेटा, बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा। थैंक यू ऑल।